ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली है जो सालों तक याद रखी जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ईशान किशन ने शानदार दोहरा शतक लगाया। ये ईशान किशन के करियर का पहला शतक भी है। अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए ईशान किशन ने केवल 126 गेंदें खेली। नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई अपनी शानदार पारी के दम पर ईशान वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी 215 रनों की पारी के दौरान क्रिस गेल ने 138 गेंदों का सामना किया था। इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हो गए हैं जिन्होंने 140 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। ईशान किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया था। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो किशन दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज हैं। किशन अपनी पारी के दौरान भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 150 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज भी बने। इस मामले में भी उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा। सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2011 में इंदौर में 112 गेंदों पर 150 रन बनाए थे। आज बांग्लादेश के खिलाफ 150 रन बनाने के लिए ईशान किशन ने केवल 103 गेंदें खेली। किशन 131 गेंद पर 210 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 24 चौके और 10 शानदार छक्के लगाए। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी आज अपना 44वां वनडे शतक लगाया। उन्होंने 85 गेंदों में एक छक्के और 11 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली का 72वां शतक है। कोहली ने 3 साल से ज्यादा समय के इंतजार के बाद वनडे में कोई शतक लगाया। हालांकि शतकीय पारी खेलने के बाद विराट कोहली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 51 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए। बता दें कि 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत पहले ही 2 मैच हारकर गंवा चुका है, लेकिन इस मैच में ईशान किशन और विराट कोहली के शतकों से भारत का मनोबल आने वाली श्रृंखलाओं के लिए जरूर बढ़ेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि भारत के लिए 2 साल बाद किसी ओपनर बल्लेबाज ने शतक लगाया है। पिछला शतक जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करते हुए लगाया था। उन्होंने बेंगलुरु में 119 रनों की पारी खेली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।